हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक फेशियल रेंज का, जो कि है जॉय। और ये फेशियल रेंज मैंने 100 रुपीज में परचेज की है और इसके अंदर डिफरेंट साक्षर्स हैं। मैं आपको डेमो देकर दिखाऊंगी कि क्या क्या उनके काम है और किस तरह से वो वर्क करते हैं। आप उसका एंड पर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें हैं जो मैं इस फेशियल रेंज के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ये कि अगर आप ये देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। ये वाले जो फेशियल रेंज है, ये बहुत ज़्यादा इसकी क्रीम्स मॉइस्चराइजिंग है और बहुत ज़्यादा क्रीमी है, जो कि हमारी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करती है। दूसरी बेस्ट बात ये है कि ये एक दफ़ा के लिए नहीं, दो दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप उनको सील पैक को दोबारा से पिन आउट कर दें या स्टेपल कर लें इस तरह से, ताकि दोबारा से आप यूज़ कर सकें। नहीं तो घर में काफ़ी लोग होते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं इसको। ये सबसे बेस्ट बात है इसकी, और यही दो मेन चीज़ें हैं। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये किस तरह से लगा है और आपकी स्किन पर इसकी क्या इफेक्ट्स हैं। अच्छा, तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जॉय इंस्टेंट फेयरनेस फेशियल किट का। ये 100 रुपीज़ में मैंने परचेज़ की है और इसके 5 स्टेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंशन है। और ये इस तरह से साशेज में आती है। अब मैं बता दूं कि इसके अंदर डीप पोर क्लिनजर, जेंटल स्क्रब, मसाज क्रीम, वाइटिंग फेस पैक, फेयरनेस क्रीम। न्यू जॉय फ्रूट फेशियल किट इज फॉर्मुलेटेड विद द गुडनेस ऑफ मल्टीपल फ्रूट विटामिन्स एंड माइक्रो ऑयल्स टू मेक योर स्किन हेल्दी एंड फेयरर नेचुरली। इट्स ईजी, 5 स्टेप रूटीन इज सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर अ क्विक फेशियल एनी टाइम। अच्छा, स्टेप नंबर 1 है डीप पोर क्लिनजर, और ये इस तरह से ग्रेप्स का बना हुआ है, ग्रेप्स में है ये। और फिर है जेंटल स्क्रब एप्पल एंड एप्रिकोट का। 3rd स्टेप है मसाज क्रीम, पोमीग्रेनेट एंड पीच। 4th स्टेप है वाइटनिंग फेस पैक, ऑरेंज एंड लेमन। एंड 5th है फेयरनेस क्रीम विच इज़ पपाया एंड स्ट्रॉबेरी। ये पोर क्लिनजर है, इसको मैं लूँगी और अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। अच्छा, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें क्लिनजर के बारे में, तो क्लिनजर के अंदर हमारे पास वाटरमेलन और पर्पल ग्रेप्स हैं। वाटरमेलन क्या करता है, आपकी स्किन पर से डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है, जिससे क्या हो जाता है, आपकी स्किन के जो ऑयल लेवल्स होते हैं नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और पर्पल ग्रेप्स क्या करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो डल लेयर होती है उसको रिमूव करता है, और जिससे आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाती है। तो क्लिनजर यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर से ऑयल रिमूव हो जाएगा और मेकअप रिमूव हो जाएगा। फेशियल स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लिनजिंग करने के बाद हम लोग ब्लीच अप्लाई करते हैं। अगर आपके फेशियल हेयर हैं, आप उनको गोल्डन करना चाहते हैं, तो ब्लीच अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं जो ब्लीच यूज़ करने जा रही हूँ वो है पीच क्रीम ब्लीच, इस तरह से पैकेजिंग में आती है। मैं ये अप्लाई करूँगी, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा, ब्लीच अप्लाई करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप पाउडर की मिकदार कम रखें। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को सेंसिटिविटी का इशू है, आपने दूसरी चीज़ ये करनी है कि सूदिंग लोशन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। इन द अदर हैंड, अगर आपको ये मसला है कि आपकी स्किन पे जो बाल हैं वो ज़्यादा जल्दी गोल्डन नहीं होते, तो आपने ये करना है कि आप ज़्यादा पाउडर की मिकदार रखें और थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देख लें। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप उसको यूज़ करें, अगर नहीं सूटेबल लगता तो वो भी आप ऐसा करें कि पाउडर की मिकदार थोड़ी सी कम कर लें। Thank you.
अब हम लोग 10 मिनट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब कोई भी डैम्प स्पॉन्ज लेकर आपने अपनी स्किन पर से सारे के सारे जो मटेरियल है उसको रिमूव कर लेना है। नंबर टू है ये, इसमें मैं स्क्रब अप्लाई करूंगी। ये है एप्पल एंड एप्रिकोट का स्क्रब। अच्छा, जो हमारे पास स्क्रब अवेलेबल है उसमें है एप्पल एंड एप्रिकोट। एप्पल एंड एप्रिकोट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि एप्पल क्या करता है, आपकी स्किन सेल्स को स्मूद आउट करता है। स्मूद आउट करने से क्या होता है कि आपकी स्किन ग्लोई हो जाती है और आपका कम्प्लेक्शन ब्राइटन अप हो जाता है। दूसरे इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है एप्रिकोट। एप्रिकोट हर कोई जानता है कि स्क्रबिंग में एप्रिकोट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्लैक हेड्स को सॉफ्टन अप करता है, जो कि आप बाद में आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद कोई डैम स्पॉन्ज लेकर आपने अपने स्किन को क्लीन कर लेना है। आपने इसको प्रॉपरली क्लीन करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टीम ले रही हूँ। स्टीम लेने से क्या होगा, स्क्रबिंग से जो सॉफ्टन अप हुए होते हैं आपके ब्लैक हेयर्स, वो आसानी से मज़ीद आसानी से रिमूव हो सकते हैं। आपने पिन लेके जेंटली अपनी स्किन के अगेंस्ट इसको दबाना है और अपने ब्लैक हेयर्स को रिमूव कर लेना है। ज़्यादा पुश नहीं करना आपने। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास मसाज क्रीम। ये इस तरह से। अच्छा, हमारे मसाज क्रीम के अंदर पोमीग्रेनेट एंड पीच है। ये दोनों जो इंग्रेडिएंट है ये क्या करते हैं, ये दोनों ही आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करेंगे और मॉइस्चराइज करेंगे। डीपली स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके जो आपके पोर्स ओपन हुए होते हैं उनके अंदर जाके ये क्रीम अच्छे तरीके से हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। इसके बाद हमने क्या करना है, स्पॉन्ज लेके उसको गीला करके इसको रिमूव कर लेना है। आपने स्पॉन्ज को ज़्यादा ज़ोर से अपने स्किन के ऊपर रब नहीं करना, सॉफ्टली अपने स्किन पर रब करना है और इसको रिमूव कर लेना। फोर्थ स्टेप है ऑरेंज एंड लेमन वाला, ये फेस पैक है। अच्छा, जो हमारे पास फेस पैक है इसके अंदर इंग्रेडिएंट है ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज और लेमन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो ये फेस पैक अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे जो डलनेस होती है, जो थोड़े बहुत निशान वगैरह होते हैं, उनको ये रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। अच्छा, मास्क ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको रिमूव करूंगी। जब आपने मास्क को रिमूव करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो स्पॉन्ज है उसके अंदर पानी हो। आपने कम्प्लीटली उसको नहीं निकालना, आपने स्पॉन्ज के अंदर थोड़ा सा पानी रखना है और उसको अपने स्किन के ऊपर लगाकर मास्क को गीला करके उतारना है, ताकि आपकी स्किन में कोई रेडनेस ना आए या आपको कोई इरिटेशन वगैरह नहीं हो। फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं मेरी स्किन पे। अच्छा, तो लास्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट स्टेप इसका ये है कि मैं क्रीम अप्लाई करूंगी। अच्छा, जो हमारे पास इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम है इसके अंदर है पपाया एंड स्ट्रॉबेरी। ये क्या करते हैं, हमारे स्किन पे फेशियल के बाद जो थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, पीएच लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है, ये उसको दोबारा से मॉइस्चराइज कर देते हैं हमारी स्किन को और पीएच लेवल को इंक्रीज़ करने में मदद देते हैं, जिससे हमारी स्किन हेल्दी लगती है। अच्छा, मेरा फेशियल जब डन हो गया तो उसके बाद ये सेकेंड डे वाले रिजल्ट है, मेरी स्किन पर देख सकते हैं कोई रैशेस नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं निकले, इसका कोई रिएक्शन नहीं है मेरी स्किन के ऊपर। आप जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वो फॉलो करते हुए अगर आप फेशियल करेंगे तो आपकी स्किन पर इंशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे और आप 100 रुपीज़ में बहुत अच्छा फेशियल कर सकते हैं। आप स्किन की प्रॉपर केयर कर सकते हैं। आप चाहें तो ये फेशियल आप 15 डेज के बाद या हर वीक में एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी रिजनेबल प्राइस में है कि ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और आप आसानी से इसको घर बैठे हुए कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि मैं और कौन से फेशियल रेंज है जिसके बारे में आप रिव्यू चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।